हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट कार्पनिधि। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMO ओलंपियाड वर्कबुक 9 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री के बारे में। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पार्ट है मैथ्स का जिसमें हम किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, और पोजीशन शो करने के लिए हमें हमेशा दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। सो उन पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से शो करते हैं, राइट? सो मेन थिंग क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन, ये क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। नंबर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे जीरो होता है और राइट साइड में जो होता है आपका ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, राइट? लेकिन अब हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो नंबर लाइन होती है। एक हमारी होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ऐसी सेम एज जो हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है उसकी, जैसे कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पर जीरो। और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में हमारे जो सी ऊपर होते हैं, जीरो से ऊपर वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे और जीरो से नीचे वाले जो नंबर्स है सारे वो नेगेटिव रहते हैं, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल वाले जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाली नंबर लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस और साथ साथ में एप्सिस का भी बोल सकते हैं, ए बी एस सी आई एस एस ए, एप्सिसा। एंड वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट? तो क्या होता है, हमेशा आप देखिए कि जो भी लाइक जो एक्स एक्सिस है वो कि हम शो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा एक्स होता है और यहाँ पर हमारा एक्स डैश होता है। तो ये जो नंबर लाइन हो गई एक्स डैश एक्स, और ये हमारा होता है y, और यहाँ पर होता है हमारा वाई जेड वाई डैश। सो ये नंबर लाइन हो गई हमारी y y z, राइट? अब ये जो पार्ट होता है, ये जो प्लेन होता है, इसको बेसिकली हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं कैसे। सो ये होते हैं चार पार्ट, चार बॉक्स। सो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है आपने सुना भी होगा, क्वाड्रेंट मीन्स फोर पार्ट्स, राइट? फोर थिंग्स। सो ये पूरा जो है हमारा नंबर लाइन, ये देख रहे हैं आपकी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट वन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री एंड क्वाड्रेंट फोर, राइट? सो बेसिकली डिफरेंस क्या है इसके अंदर, क्वाड्रेंट वन के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये पॉजिटिव में है, और ये मान लीजिए हम एक पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं पॉइंट एक बनाती हूँ, यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की, तो ये जो पॉइंट है मेरा ओरिजिन से ज़ीरो से थ्री पार्ट्स दूर है, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, थ्री, एक्स की वैल्यू थ्री हो गई हमारी, और टॉप में जाएंगे तो भी थ्री। सो इसका जो पॉइंट का नेम है वो हो जाएगा, इस पॉइंट का नेम अगर मैं इसको पी देती हूँ नाम, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं, थ्री कॉमा थ्री, राइट? और दोनों ही पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर लाइन थी, ये भी पॉजिटिव थी। अगर मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर, पॉइंट Q, ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है, ठीक है? अगर मैं इसकी दूरी देखूंगी कि x एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो देखिए आप कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर। तो x की वैल्यू क्या है इसकी, माइनस सिक्स, ठीक है? एंड y की वैल्यू कहाँ है, माइनस फोर। सो आपने देखा कि दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में आई हैं, ठीक है? माइनस सिक्स एंड माइनस फोर जो हैं वो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? सो यहाँ पर यही चीज़ शो करती है कि आप यह लर्न भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, कि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है तो उसके पॉइंट्स पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, या फिर ये पूछ लिया जाता है, उल्टा पूछ लिया जाता है कि अगर आपको दे दिया जाता है कि एक एक्सिस का जो है या एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस प्लस है, तो वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत होती है कि क्वाड्रेंट वन में हमेशा दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, क्वाड्रेंट टू में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्वाड्रेंट थ्री में दोनों ही नेगेटिव आते हैं, एंड क्वाड्रेंट फोर में आपका एक्स एक्सिस वाला आता है पॉजिटिव एंड वाई वाला आता है नेगेटिव, राइट?
चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चंस को। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y प्लस y कट्स द x एक्सिस एट। तो ये एक लीनियर इक्वेशन दी है और पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन लाइन है, लीनियर इक्वेशन से कोई लाइन बनेगी तो वो जो है x एक्सिस को कहाँ पर काटेगी। तो क्या होता है, ऑब्वियसली अगर ये लाइन जो है वो किसको कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है। x एक्सिस का मतलब, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन शो किया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कट करने का मतलब ये या तो इस पूरी लाइन में से कहीं पर है ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ऑब्वियसली जो वाई की वैल्यू आएगी, यानी वाई की वैल्यू कब आती है, जब हमारा ऊपर नीचे कहीं जाता है, या तो पॉइंट ऊपर है या नीचे की तरफ है, तो वाई की वैल्यू जीरो आती है, राइट। लेकिन अभी ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर ही है कहीं ना कहीं, तो वाई की वैल्यू तो ऑफकोर्स जीरो रहेगी, है ना, जीरो रहेगी वाई की वैल्यू। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इस इक्वेशन में हम x जो y की वैल्यू है वो जीरो रख देंगे। x इज इक्वल टू क्या है दे रखा है हमें, 3y प्लस 5, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 की वैल्यू को रखेंगे जीरो। क्यों रखेंगे जीरो, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो है वो कट कर रही है x को, तो यानी y की वैल्यू तो इसके अंदर जीरो ही है, और प्लस 5। तो ये हो गया मेरा 3 0 0 प्लस 5, यानी मेरी वैल्यू आ गई x की 5, यानी 0 5। ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। सो यानी ऑप्शन क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x का ऑर्डिनेट आ गया 5 5 0, ये आया 5 0, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट 2 and 1 इज अ पॉइंट विच बिलोंग्स टू द लाइन। अब 2 और 1 जो है, 2, 1 एक कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब आपको बताना है ये किस लाइन से शो करता है, राइट। तो हम इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्या कह रहा है हमें, x इज इक्वल्स टू y, x और y, यानी यहाँ पर अगर मेरा पॉइंट है ये कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट O ही सही, उसके क्या और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, 2 और 1। इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। सो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे x 2 है और y 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो ये तो मेरा ऑप्शन बाहर हो गया, आउट हो गया। इवन यहाँ पर अगर मैं देखूँ डी वाले को भी, 2xy का मतलब 2 multiply by 1, 2 1 2 इज इक्वल्स टू 1, ये होगा इक्वल नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों, ये वाला भी रॉन्ग है। अब ये बस बचते हैं बी एंड सी ऑप्शन। चलो मैं बी में पुट करके देख लेती हूँ वैल्यू, कि बी वाले ऑप्शन में अगर मैंने वैल्यू पुट की है तो मेरा आ गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, y की जगह मैं रखूंगी 1, x की जगह मैं रखूंगी 2 प्लस 1। तो क्या 1 इक्वल है 3 के, नहीं, नॉट इक्वल। सो ये भी हमारा गलत हो गया। अब मैं सी वाले ऑप्शन में रख के देखती हूँ, 2y इक्वल्स टू x, y की वैल्यू क्या है मेरी 1, x की वैल्यू क्या है मेरी 2, 2 1 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, तो यही वाले जो पेयर्स है ना, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, x और y की फॉर्म में। कभी भी हम y और x नहीं लिखते, हमेशा हम एक्स वाई लिखते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर कह रहा है कि वन सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो इसको फुलफिल कर रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे चारों, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड करके चारों फुट करके देख लीजिए, या एक बेस्ट तरीका क्या है, देखो कि क्या है, मैं क्या किस चीज़ की वैल्यू पुट करके देखूँगी। यहाँ पर देखो y की वैल्यू हर जगह 1 1 1 और यहाँ 2 दे रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, सपोज करती हूँ कि मैं y को 1 पुट करके देखती हूँ, ठीक है। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या इक्वेशन है मेरी, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 रख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x माइनस 1। सो अगर मैं ट्रांसपोज करूँगी इसको तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, ये क्या हो गया मेरा 2 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी 2 अपॉन 2, जो कि आ गया मेरा 1। यानी इसके हिसाब से क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, राइट। ये मेरा
ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा आंसर करेक्ट आ गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम आप और तो करके नहीं देख रहे। चलो मैं और भी करके देख लेती हूँ, वैसे और करने की देखने की जरूरत नहीं है, मैं टू भी पुट करके देख लेती हूँ। बट टू भी पुट करके देख लेती हूँ, देखो वन अगर मैंने पुट किया तो वन ही आया है, वन के साथ टू तो नहीं आया, थ्री तो नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं वाई की वैल्यू को टू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, सो इट इज़ टू इज इक्वल्स टू 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 एक्स माइनस वन, वही रहेगा, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, टू प्लस वन हो जाएगा, वही हो जाएगा मेरा टू एक्स, ये हो गया थ्री इज इक्वल्स टू टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, थ्री अपॉन टू, तो थ्री अपॉन टू, या तो इसको मैं 1.5 लिखूंगी या मैं इसको लिखूंगी 1/2, वन अपॉन टू, राइट। तो जो कि हमारा ऑप्शन गलत है, राइट। सो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो था वही करेक्ट था, मैंने आपको फिर भी तसल्ली के लिए करके दिखा दिया सी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर सेज दैट इफ एक्स इज इक्वल्स, इफ एक्स प्लस 7.3 इज इक्वल्स टू 5.6 प्लस वाई, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। क्या कह रहा है कि एक्स कॉमा लगा हुआ है, यानी ये एक्स प्लस 7 जो है वो हमारा एक्सिस का है और वाई जो है वो हमारा ऑर्डिनेट जो है वो हमारा 3 है। यहाँ पर ये हमारा एक्सिस का है और ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट। तो यानी इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा कि x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि x जो है जो आपका एक्सिस का है वही इसके एक्सिस का के इक्वल है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा मेरा 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 5। समझ में आया क्यों किया मैंने ये, क्योंकि यहाँ पर x की जो एक्सिस का है वो क्या है, x प्लस 7 है, और यहाँ पे एक्सिस का 5 है, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पे ऑर्डिनेट 6 प्लस 5 है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे, माइनस 2। सेम एज यहाँ से अगर मैं करूँगी तो ये y है, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर, 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई, ये क्या आ गया, माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, यानी x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू माइनस 3, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर x, 8 इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन द एक्सिस का। क्या बोल रहे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें हमारा पेयर दे रखा है जिसमें है x ही है और y जो है वो माइनस 8 है, और हमें ये निकालना है कि जो ऑर्डिनेट है ऑफ द पेयर 4 मोर देन द एक्सिस का, यानी अगर एक्सिस का हमारा 2 है, ठीक है, तो ये 4 ज़्यादा है तो ये 6 होगा, ठीक है। अगर एक्सिस का हमारा 5 है, 4 ज़्यादा है तो ये 9 होगा, तो ये है 2, या तो 2 या 6 होगा या 2 या 9 होगा। तो इसमें हमें देखना है, देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। y की वैल्यू माइनस 8 दी हुई है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या बोल रहा है कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई, यही बोल रहा है। ये बोला है कि जो हमारा है ऑर्डिनेट है वो एक्सिस का से 4 ज़्यादा है, यानी x प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई है, क्योंकि अगर x में हम 4 ज़्यादा जोड़ेंगे तो ही y आएगा, राइट। तो मैं y की जगह रख देती हूँ माइनस 8, क्योंकि हमें y ऑलरेडी पता है, और x प्लस 4 आ गया मेरा यहाँ पे। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 8 माइनस 4, बिकॉज ये ट्रांसपोज हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस 12, यानी x की जो वैल्यू आ गई है मेरी माइनस 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप ये जैसे कि फिगर में देख रहे होंगे, द पॉइंट माइनस 3 एंड माइनस 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे फिगर में भी दिख रहा है आपको कि माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो कौन से में होते हैं, तो ये तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें आग बंद करके लगा देना है, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों, नेगेटिव नेगेटिव, राइट, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। दो किस पे मीट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कहाँ मीट कर रहे होते हैं, करेक्ट, ओरिजिन पे मीट कर रहे होते हैं, राइट। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर ए 3 and 4 एंड बी -2 and 5, सो एप्सिस्का ऑफ ए माइनस एप्सिस्का ऑफ बी, राइट। सो एप्सिस्का ऑफ ए क्या है हमारा,
एब्सिस का ऑफ ए क्या है भाई हमारा? ए का एक्सिस का वाला पॉइंट क्या है? एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाला, यानी थ्री, ठीक है? उसको हमें क्या करना है, माइनस एक्सिस का ऑफ बी। बी का एक्सिस का क्या भाई? बी का एक्सिस का है मेरा माइनस टू, यानी हमें बेसिकली क्या करना है, थ्री माइनस माइनस टू ये करना है। तो क्या हो जाएगा अगर हम इंटीजर यूज करेंगे यहाँ पे, थ्री प्लस टू दैट इज फाइव। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर नाइन सेज दैट द साइन ऑफ एप्सिस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन क्वाड्रेंट टू आर रिस्पेक्टिवली। यस, सो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्वाड्रेंट टू के अंदर क्या आता है हमेशा? क्वाड्रेंट टू के अंदर आता है हमेशा एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? यस, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट टू पॉइंट्स हैविंग सेम एक्सिस का बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन। यदि कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो सेम एक्सिस का पे हैं बट डिफरेंट ऑर्डिनेट पे हैं, तो वो कहाँ लाई करेंगे? चलिए देख लेते हैं एक फिगर की हेल्प के थ्रू। सो क्या बोल रहा है, टू पॉइंट्स हैव द सेम एक्सिस का। सपोज मैं ऑप्शन में ले लेती हूँ कि एक्सिस का को मैंने ले लिया ये टू ले लिया, राइट? तो ये अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? सपोज मैंने एप्सिस का चूज किया अपनी तरफ से, ये दिस इज द एप्सिस का फ्रॉम माई साइड, राइट? ठीक है, तो ये एप्सिस का है, तो इसका अगर मैं पॉइंट का नाम देती हूँ, ये पॉइंट ए है, तो इसका क्या बनेगा? एप्सिस का है टू और ऑर्डिनेट है टू, राइट? अब सेम एप्सिस का लेना है हमें, यानी सेम एप्सिस का हमें लेना है। मैंने सपोज यहाँ ले लिया, ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, तो इसका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इसके? टू कॉमा फाइव, ठीक है? क्योंकि एक्स की वैल्यू टू है सेम, और वाई की वैल्यू जो है फाइव है, तो सेम एक्सिस का पे है ये। और अगर मैं सीधे लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या शो हो रहा है चिल्ड्रन? ये शो हो रहा है कि ये जो लाइन बनी है वो क्या है, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पैरेलल है, राइट? सो क्या बना है ये हमारा, कि जो लाइन बनी है बी ए को ज्वाइन करके, तो वो क्या है हमारी, वाई से पैरेलल है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ आपको देखना है और 11 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, राइट? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लीजिए आप कि इसमें पॉइंट्स वगैरह की बात हो रही है। तो पहले मैं एक आसान काम कर लेती हूँ कि जितने भी मेरे सारे ये हैं आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके मैं ऑर्डिनेट्स और एक्सिस का और ऑर्डिनेट निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं पॉइंट बात करूँ पॉइंट एन की, तो इसमें हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, देख सकते हैं आप, और वाई की वैल्यू क्या है हमारी, थ्री है, राइट? वन एंड थ्री, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। पी की वैल्यू देख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू है टू और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू, राइट? एल की वैल्यू देख लेती हूँ, तो एक्स मेरा क्या है, माइनस थ्री। पॉइंट एल के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, एक्स की वैल्यू है हमारी माइनस थ्री और वाई की वैल्यू है हमारी माइनस टू, राइट? एम की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स में आया हमारा माइनस थ्री और वाई में आया प्लस वन, राइट? सो अब ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही फटाफट से हो जाएंगे, बहुत इजी तरीके से होने वाले हैं, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स के जो हैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल आर, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे भाई हमने, माइनस थ्री एंड माइनस टू। सो एल के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले थे, माइनस थ्री एंड माइनस टू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, माइनस थ्री एंड माइनस टू। अब कह रहा है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम एंड एन, एम और एन के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम निकालना है। ऑर्डिनेट्स मतलब वाई एक्सिस वाले पॉइंट, एम का क्या है वन, वन है, और एन का क्या है थ्री, तो वन प्लस थ्री क्या हो गया भाई, फोर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? 13th, द पॉइंट हुज एक्सिस का इज टू लेस देन द ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट से एक्सिस का दो कम है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर m को देखती हूँ, तो ये कितना कम है इससे, माइनस फोर, ये से चार कम है ना, सॉरी वन माइनस थ्री करेंगे हम, वन माइनस माइनस थ्री करेंगे, तो चार का डिफरेंस है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में टू का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में है डिफरेंस आपका, कितने का डिफरेंस है, माइनस थ्री एंड माइनस टू,
एक का डिफरेंस है और इसमें भी आपका चार का डिफरेंस है, तो टू का डिफरेंस किस में है? वन और थ्री में, यानी एन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो आपका टू ही आएगा, राइट? फिर हमें निकालना है दो कम किसके हैं। 14th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एब्सिस्का ऑफ पी एंड एब्सिस्का ऑफ एन। एब्सिस्का ऑफ पी, पी का एब्सिस्का क्या है? टू। पी का एब्सिस्का क्या है? टू। और एन का एब्सिस्का क्या है भाई हमारा? एन का एब्सिस्का है वन। तो टू माइनस वन इक्वल्स टू वन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गए फटाफट से चार क्वेश्चन, पता भी नहीं चला करने में कितनी जल्दी फटाफट से हो गए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी 01, क्यू 05, आर 34 इज। सो ये आपको तीन पॉइंट दे दिए, तो इसके लिए आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, जिससे कि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर या कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। फिर हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? तो उसके लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले आती हूँ पहले, राइट? तो ये आ गया मेरा कार्टेशियन प्लेन। अब मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देती हूँ यहाँ पे। तो पॉइंट पी क्या कह रहा है आपको? 0 एंड 1। तो 0 कहाँ है हमारा? ये। एंड 1 कहाँ है हमारा? ये। तो ये मेरा हो गया पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक है? उसके बाद है हमारा 0 एंड 5, ये वाला, यानी ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट क्यू, ठीक है? उसके बाद है 3 एंड 4, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 4, ये। तो ये हो गया मेरा पॉइंट आर, ठीक है? तो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं इनको ज्वाइन करके, क्यू से आर और आर से पी को ज्वाइन करके। सो ये मैंने क्यू से आर को ज्वाइन कर दिया एंड आर से पी को ज्वाइन कर दिया, और ये ऑलरेडी एक लाइन थी फिर भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया आप लोगों के सामने, राइट? अब इस ट्राइंगल का हमें निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन? आप सबको सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा, अगर मैं हाफ बेस मान लेती हूँ मैं क्यू पी को मैंने बेस मान लिया, तो हमें हाइट भी चाहिए। हाइट का मतलब क्या है कि ये हाइट, ये हमारी हाइट हो जाएगी यहाँ से, इसको मैं नाम दे देती हूँ एस। सो मेरा एस आर जो है वो मेरी हाइट हो गई, राइट? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे टिल्टेड फॉर्म में देखती हूँ तो मेरा ट्राइंगल, मैंने इसको बेस ले लिया और ये मेरे हाइट हो गई, ठीक है? सो हाफ क्यू पी क्या है हमारा? क्यू पी का डिस्टेंस कितना है भाई? क्यू पी का डिस्टेंस है हमारा 4, 1, 2, 3, 4। और एस आर का डिस्टेंस कितना है हमारा? 1, 2, 3, राइट? सो हम सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ये मेरा आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो हमने इसको स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। तो 6 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 8, -7 and 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज डैश यूनिट्स, राइट? तो इसके लिए भी फिर मुझे एक कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी ब्लर है इमेज, लेकिन चले देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने के लिए। क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7 and 8। तो -7 and 8 कहाँ पर है पहले मुझे ये वाला पॉइंट जो है निकालना पड़ेगा। सो -7 है मेरा इधर की साइड ये रहा, एंड 8 कहाँ है मेरा? ये। सो अगर मैं यहाँ से इधर ऊपर जाती हूँ और इधर ये जाते, तो ये मेरा पॉइंट जो है ये वाला, ये मेरा पॉइंट बन जाएगा -7 and 8। सो बोल रहा है, क्या बोला है ये वाला जो पॉइंट है इसको देख के, क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सो ऑफकोर्स जब हम यहाँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इससे हम ऊपर चढ़ेंगे तो कितने पॉइंट्स दूर है ये? यस, यू आर राइट, 8 यूनिट्स दूर है। सो ऑप्शन नंबर बी 8 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ से इसकी दूरी नहीं पूछी। इसकी दूरी पूछी होती तो 7 होता, 7 यूनिट्स, लेकिन हमें इसकी दूरी पूछी है तो वाई एक्सिस पे हमारा 8 पॉइंट था, तो इसीलिए ये जो है दूरी है हमारी 8 है। ये आप ओरली भी कर सकते थे, ठीक है?
क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो हमारी दूरी बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, और जो हमारा एब्सिस का होता है वो बताता है हमें वाई एक्सिस से हमारा कितना दूर है, उल्टा बताते हैं। तो ये आप ओरली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा दिए कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का। राइट, तो इसमें भी ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम बस ओरली निकाल सकते हैं कि द साइन ऑफ एप्सिस का एन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन तो बस फ्री के हैं, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं आपको अगर आप फटाफट से इस ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राइट, अब आती है बात हमारी अचीवर सेक्शन की। सो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जो अचीवर सेक्शन होता है ये थोड़ा सा वैल्यू वाइज पॉइंट्स वाइज या मार्क्स वाइज थोड़ा ज़्यादा वर्दी होता है, क्योंकि इस पे हर एक जो क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स ईच होते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी होते हैं वाले क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको छोड़िए ना तो आपको अच्छे स्कोर करने में आपको हेल्प मिल जाती है। राइट, तो अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स फॉर ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो 4 स्टेटमेंट है, हमें देखना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, देन उसके बेसिस पे हमें ऑप्शन चूज करना है। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमें, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन द बोथ द एक्सिस। येस ऑफकोर्स, क्योंकि जो ओरिजिन होता है वो एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस पे भी लाई करता है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो ट्रू है। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं हम, द पॉइंट 2 एंड माइनस 2 एंड द पॉइंट माइनस 2 एंड 2 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने क्या अभी पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आता है, ये वाला वो आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, एक पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ये हमारा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो दोनों क्या सेम क्वाड्रेंट के अंदर आए? नहीं आए, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 units from x-axis, then its coordinates are 2, 0. So, इसके लिए मैं आपको एक कार्टेशियन प्लेन के थ्रू से समझा देती हूँ। राइट, कह रहा है इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y-axis एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम x-axis, y-axis पे लाई करता है x-axis के 2 यूनिट दूर, यानी ये वाला पॉइंट, तो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 2, 0 होंगे? नहीं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 2 होगा, तो ये भी हमारा गलत है। राइट, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। राइट, अब कह रहे हैं एप्सिस का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर ही जो एप्सिस का होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ऑफकोर्स यहाँ पे तो हमारे प्लस प्लस एंड प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस होते हैं, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा नेगेटिव और ये होता है हमारा पॉजिटिव, यानी ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा क्या आंसर आया? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो किसके अंदर ये हमारा आया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इन दिस गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस हुज डायगोनल पी आर एंड क्यू आर आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पी आर इज 12 यूनिट्स एंड क्यू एस इज 6 यूनिट्स। पी आर जो है वो 12 यूनिट्स के बराबर है, यानी ये 6 हुआ और ये 6 हुआ, और जो क्यू एस है वो टोटल 6 की बराबर, यानी ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि नाउ इफ पॉइंट टी इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स अबव एस, एस के 5 यूनिट राइट साइड यानी यहाँ पर, और वाई के सॉरी एस के 2 यूनिट्स ऊपर यानी यहाँ पर, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया है टी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो 5 है, एक्स पे 5 है, और वाई पे कितना होगा? 3, और 3 के भी 2 ऊपर, यानी 5, 3 + 2, 5। सो ये टी है, ओ टी नहीं है, ये पॉइंट मैंने शो किया यहाँ पे, तो ये टी पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है सम ऑफ एप्सिस का ऑफ पी एंड टी, पी के एप्सिस का, पी के ऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? पी का ऑर्डिनेट है हमारा -6 एंड 0 कोऑर्डिनेट्स हमारे, क्योंकि पी जो है हमारा एक्स डैश वाली भी लाइन में आ रहा है और वाई एक्सिस पे मूव ही नहीं किया, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे -6 और 0 हो गए, और टी के हमारे हैं 5 एंड 5। अब बोल रहा है हमें
फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ कि सम ऑफ एब्सिस का, एब्सिस का यानी ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, माइनस सिक्स प्लस वन, तो दोनों का सम कितना हो गया, सॉरी माइनस सिक्स प्लस फाइव, दोनों का कितना हो गया माइनस वन। ठीक है, सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, सेकेंड में क्या आ रहा है हमारा, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर टी, तो क्यू के कौन कौन से हैं, क्यू का देख लेते हैं, क्यू का हमारा क्या है, जीरो एंड माइनस थ्री, क्योंकि ये नीचे नेगेटिव में आ रहा है। आर का क्या है, आर का है हमारा सिक्स एंड जीरो, और टी का हमने निकाला ही था फाइव एंड फाइव। अब बोल रहा है हमें निकालना है, सम निकालना है ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज थ्री, यानी माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस फाइव, तो कितना हो गया भाई ये, माइनस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टू। तो यानी फर्स्ट का आंसर है हमारा माइनस वन एंड सेकेंड का आंसर है हमारा टू, माइनस वन एंड टू, यानी ए पार्ट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये है हमारा, मैच द कॉलम। सो इसमें क्या दे रखा है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी विद ओ इज दिस, ए इज दिस एंड बी इज दिस, सेम एज, यानी तीनों ट्राइंगल दे रखे हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, तीनों पॉइंट्स के, तीनों वर्टिसेस के, तीनों ट्राइंगल के। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा इनका एरिया, तो इसके लिए मैं आपको एक कार्टेशियन प्लेन लेके आती हूँ आपके लिए, फिर हम इस पर सॉल्व करेंगे, राइट। सो ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्लेन। तो हम पहले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी, जिसका ओ पॉइंट आपको पता ही कहाँ है, ये रहा ओ पॉइंट, तो ये ओरिजिन पे ही है, ये ओ पॉइंट है। उसके बाद ए पॉइंट है फोर एंड जीरो, यानी एक्स की वैल्यू फोर एंड वाई की वैल्यू जीरो, ये हो गया ए पॉइंट। एंड बी पॉइंट है मेरा जीरो एंड एट, यानी जीरो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू एट, यानी यहाँ पर कहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो ये एक ट्राइंगल बन गया, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ। सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए एंड बी। ठीक है, इसको मैंने ब्लू कलर से बनाया, तो मैं इसका अब एरिया निकाल लेती हूँ। सो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकलेगा वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही हम करेंगे। सो हाफ ये ले लिया मैंने, बेस क्या है मेरा, बेस यही ले लिया मैंने, वन टू थ्री फोर, बेस ये फोर हो गया और हाइट क्या हो गई हमारी, ये कितनी एट। सो ये हो गया टू टू ज एंड ये हो गया टू एट ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल के लिए मैं दूसरा डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, ए, ए पॉइंट है मेरा टू ज़ीरो, टू वन टू टू ज़ीरो, ये मेरा ए पॉइंट है। उसके बाद है मेरा पॉइंट बी सिक्स ज़ीरो सिक्स ज़ीरो, उसके बाद है मेरा पॉइंट सी फोर एंड सिक्स फोर एंड सिक्स, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया मेरा सी। सो इनको मैंने अब ज्वाइन कर लिया, सो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब मैं देखती हूँ इसका एरिया कैसे निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट्स, और हाइट कितनी है यहाँ से, इससे अगर हम सीधी हाइट देखेंगे तो कितनी हाइट आएगी मेरी, सिक्स। सो टू टू ज एंड टू सिक्स ज ट्वेल्व, सेकेंड ऑप्शन आ गया हमारा टू ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड एक और ट्राइंगल है लास्ट, उसके लिए मैंने डिफरेंट कलर ले लिया। ए ओ हमारा ये ओरिजिन ही है ओ, उसके बाद ए है हमारा सेवन एंड ज़ीरो, सेवन एंड ज़ीरो, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ओ ए पॉइंट हो गया सॉरी, और उसके बाद है हमारा बी पॉइंट जीरो एंड फोर, ज़ीरो एंड फोर, ये मेरा हो गया बी पॉइंट। तो मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो ओ ए इसका मेरा बेस क्या है, ओ ए वो लेती हूँ मैं बेस, यहाँ से ज़ीरो से लेकर सेवन तक, एंड बी मेरा किस पोजिशन पर है, पोजिशन नंबर फोर पे। ठीक है, सो टू वन ज़ा एंड टू टू ज़ा फोर, सो ये हो गया हमारा सेवन टू ज़ा फोर्टीन, फोर्टीन स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट था यानी पी जो था, पी का मेरा मैच हुआ था
पी का आंसर आया था मेरा 16, पी वो था सेकेंड के साथ मैच। क्यू का आंसर आया है मेरा सेकेंड वाले का आया था 12 यूनिट्स, वो इसके साथ मैच हुआ है। और आर का आंसर आया है मेरा ये, सो पी सेकेंड, एंड पी सेकेंड किस में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यू है मेरा थर्ड एंड आर है मेरा फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस आज के। आई होप चिल्ड्रेन आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ उसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। ऑफ कोर्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, अगर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कहीं रह गई है, तो ऑफ कोर्स मैं उसको ट्राई कर सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगी। और ऑफ कोर्स वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑलरेडी, अगर कोई आपके फ्रेंड या क्लासमेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं IIMU की क्लास 9 की, तो आप लोग उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या उनको भी बोल सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों का यही प्यार मुझे मोटिवेट करता रहता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे जल्द से जल्द नई नई वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।